जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जितनी भी हमारे पाकिस्तान वुमेन ब्रिटिश सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी व्यूवर्स हैं और जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो बीइंग अ होस्ट मैं आपके लिए जो एक इंट्रोडक्शन लेकर आ रही हूँ या जो एक डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगी उसका ताल्लुक जो है वो हमारे ऑल द वर्ल्ड जिस सोसाइटी है लेकिन सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों के साथ इसका ताल्लुक है और वो जो और इसमें जो है वो बेहतरीन हमारी टैलेंटेड वुमेन जो है वो काम करती हैं और आज जो मैं इंटरव्यू लूँगी वो उन्हीं टैलेंटेड वुमेन का लूँगी कि जिनका जो है वो जो जिन्होंने इस सोसाइटी को चढ़ाने के लिए जो है वो बहुत अहम काम किया है और इसके लिए आज जो है वो हम इनकी प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आज आपसे इंटरव्यू लेने से पहले इस सोसाइटी का जो है वो आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये सोसाइटी जो है ये फ्लोर आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है और ये दिस इज़ एन रजिस्टर्ड बॉडी और अंडर द कंपेनियंस एक्ट है ये और इट हैज़ अ सिक्स चैप्टर्स डेट स्प्रेड ऑल ओवर अक्रॉस द डिफरेंट बिग सिटीज ऑफ द पाकिस्तान डेट इज़ द लाहौर इस्लामाबाद कराची पिशावर and it also works all over the world. It's a very very interesting in the UK and US and Thailand and there are many many in Germany and many of other countries. So it's a very very useful and beneficial society because many of the talented women are working in here and it's very easy to join this. Today I request to the president of this society Dr. Ghazala ke wo hame jo hai wo ek हम इनसे इनकी सोसाइटी से जो है वो कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमें जो है वो पता चले कि ये किस तरह से जो है वो तमाम के तमाम मुल्क में कैसे ये काम करती है ऑल द वर्ल्ड और दूसरे आज जो हमारा सेकंड इसका जो सेगमेंट होगा वो इसकी डेमोंस्ट्रेशन होगी कि किस तरह से जो है ये इतने खूबसूरत एक तो फूल ऑलरेडी बड़े खूबसूरत होते हैं उन खूबसूरत फूलों को जो है वो और इतनी खूबसूरती से अरेंज कर देना इट्स अ रियली वेरी वेरी टैलेंटेड थिंग। सो देर इज़ आज हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर गजाला जो हैं गजाला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रेसिडेंट हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गजाला? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गजाला साहब कि आपने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम में से टाइम दिया और सबसे पहले आपने हमें इस बात के लिए यस किया कि आप हमें अपने आज का डेमोंस्ट्रेशन जो आपका ये सारा सेशन चलेगा उसको हम लाइव लेंगे तो वी आर वेरी हैप्पी to do this such event so thank you very much for coming and thank you ki aap logon ko ye I hope ki aap logon ko pasand aaye hamare floral art ka session और ये हमारा बेसिकली तो हमारे 12 सेशन होते हैं और साल के हर महीने एक क्लास होती है और भी हम मैरियट में करते हैं लेकिन इसमें से 3-4 सेशन हमारे जो होते हैं वो हम लोग आउटडोर करते हैं जिसमें हम लैंड आर्ट करते हैं हम लोग और लोगों के गार्डन्स में जाके करते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि आउटडोर वाले भी इवेंट्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो गजाला ऑब्वियसली कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना और ये कितने टाइम से चल रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना अरसा हो गया जी? अभी नेक्स्ट जो ईयर है हमारा नेक्स्ट ईयर में हमारे ये 50 ईयर्स हो जाएंगे इसको 50 ईयर्स हो जाएंगे फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को बने हुए तो जो कि जिसकी सेलिब्रेशन हमारी कराची में हो रही है और वो हमारी हो रही है मार्च में। माशाल्लाह इट्स रियली अमेजिंग 50 इयर्स एंड हाफ डिकेड इट्स अ लॉन्ग टाइम इट्स सो नाइस वेरी नाइस और नेक्स्ट मंथ हमारे लाहौर में इसका नेशनल शो हो रहा है और नेशनल शो के भी इंशाल्लाह आपसे कहेंगे कि कवरेज आप लोग करें और हमें दिखाएं उसमें हमारे नेशनल शो में सारे जितने पाकिस्तान में जितने क्लब्स हैं सबके लोग आएंगे और अपनी अपनी एग्जिबिट्स बनाएंगी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा ये सबसे बड़ी इस बात की इसका हमारी सोसाइटी का है कि हम लोग चैरिटी के लिए काम करते हैं। अभी भी पेशावर में एक हमारा हुआ उसमें हमने चैरिटी का काम किया है और वो था सिटीज़न फाउंडेशन के लिए काम किया। इसके बाद अब कभी हम डेफ एंड डम चिल्ड्रंस के लिए भी हमारा प्लान है इस दफ़ा करने के लिए मार्च में हमारा एक है कि हम डेफ एंड डम चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं और हम बेसिकली तो ज़्यादातर चैरिटी डिनर्स करते हैं
चैरिटी बॉल्स करते हैं कि क्या नाम है, हेल्प हो जाए. और दूसरा मेन हमारी चीज़ है कि सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, वो भी हम प्रमोट करते हैं अपना. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, रियली इतने खूबसूरत सॉफ्ट फ्लावर्स के जरिए सॉफ्ट इमेज. इंटरेस्टिंग वर्ड. अच्छा सिबात, एक बात, अभी आपने कहा कि आपने चैरिटी काम करती हैं, चैरिटी के थ्रू होता है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इज इट दिस इज द बेनिफिशियल फॉर द यू नो आर हमारी उन लेडीज के लिए जो कि बहुत मतलब हम उस उन लेडीज के लिए जो कि बहुत ज्यादा इस किस्म के फ्लावर मेकिंग में यू नो के ज्यादा जो है वो आई थिंक ज्यादा सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, या ये कि वो ज्यादा जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल है या उनके लिए जो है वो इजीली जो है वो उसको. एग्जैक्टली जी, पाकिस्तान इज फुल ऑफ रिसोर्सेज. मैं आपको साफ बताऊँ, इधर हमारे पास हर किस्म की चीज़ है अवेलेबल. ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बट हमारे पास किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है इस वर्ल्ड में. इसमें हम लोगों का क्या है, हम लोगों के फ्लावर्स, क्रिसेंथेमम्स, हमारे ब्यूटीफुल क्रिसेंथेमम्स, ब्यूटीफुल रोजेज, हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं. अभी हमने पाकिस्तान ब्लूम जो किया उसमें हमारा सारा लोकल प्रोडक्ट्स है, और उसमें हमारा कोई इम्पोर्टेड चीज़ नहीं हमने यूज़ की. इस तरह हम लोग कर सकते हैं, और तो वो एक्सपेंसिव पड़ता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता. ये आपके अपने तक है कि आप उसको किस तरीके से, बेसिकली तो आपने एक डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया, तो डिज़ाइन तो आप करेंगे. हम क्या रॉट आयरन के यूज़ करते हैं, वुड इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेरी इजीली एंड वेरी चीप अवेलेबल इन पाकिस्तान. बिल्कुल, कितनी आपने सही बात की कि देखिए फ्लावर के लिए जो है वो हमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव हो. फ्लावर तो हम कहीं से पिक कर सकते हैं, और उसके बाद टैलेंट होना चाहिए ना. पिक आप कर सकते हैं, आप ड्राई अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, आप फ्लावर्स को ड्राई कर सकते हैं, आप रोजेस को ड्राई करें उल्टा लटका के, उसकी टेक्निक्स हैं बहुत ज्यादा. और आप हमारे साथ रहें तो हम लोग आप लोगों को बताएं कितनी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और उनको प्रिजर्व कर लें. और हम लोग उस तरीके से अपने बहुत अच्छी तरीके से, और हर हर एज का लेडीज आ सकती है इसमें, हर लोगों, हर सोसाइटी से लोग आ सकते हैं. कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत एक्सपेंसिव है या लीड क्लास है या कोई आएगी, इसमें हर किस्म के लोग. वेरी इंटरेस्टिंग ना. देखिए हम वही बात है से बात के, हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं तब पहुंच मिलती है, वरना एटलीस्ट मतलब एक एक हमारे पास जो जनरल व्यू आता है, जब हम इस तरह से जो है वो यू नो के एक इलीट क्लास में ही फंक्शंस करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ इलीट क्लास के लिए है या एक रिच आपके ग्रुप के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, वो चीज़ जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, उससे सब लोग वो बेनिफिट ले सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाकई इतना खूबसूरत काम है. मैं खुद जब आपके फर्स्ट टाइम इधर आई तो इट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी, और मैं अपनी मुनज़ा को जिला कहती थी तुम लोग कैसे कैसे करते हो ये काम, इतना खूबसूरत काम है, इतना खूबसूरत काम है. आज आप लोग देखेंगे हमारी बहुत दो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं दोनों, और मुनज़ा ने तो हमारा जीता भी है वर्ल्ड शो भी जाकर, आयरलैंड में हम लोग गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया था. इससे हमारी दोस्तियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं, हमारी लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में फ्रेंडशिप्स होती हैं, और अभी कोविड ने भी हमको बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक साथ हम क्लोज हो गए, इससे कि हमारे वर्चुअल शोज बहुत हो रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारी सब लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह जीती हैं, और बड़े एक से एक प्राइज़ जीता है, सारे वर्ल्ड शो सब जीते हैं. बिल्कुल, तो और माशाल्लाह क्या नाम है, इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे इसको. बिल्कुल, थैंक यू. और मुझे खुद बड़ा ही अच्छा लगा, और आप स्पेशली जो मेरे जहन में जो क्वेश्चन थे उनके आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दे दिए कि उससे जो है वो हमारे बहुत सी ऐसी जो हमारे अपने ग्लिचेज होती हैं, कन्फ्यूजन होती हैं, वो सारी सॉल्व होगी. और रियली इट्स अ वेरी, मैं बल्कि हम अभी मेरे ख्याल में आपकी डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है. आज बिल्कुल श्योर, और आज बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डेमोज हैं, और बड़ी लाइक लड़कियां हैं मेरी दोनों, आप जरूर आइएगा देखें. अच्छा गजाला दूसरी जी, बिल्कुल मैं ऐसा है कि आज आपकी एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी आएंगे, जो आपकी प्रीवियस एक्स प्रेसिडेंट हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली, वो भी हैं जो मदरसा से बात कर ले, मैं उनसे भी बात कर ले, मदरसा से भी बात करते हैं. मेरे ख्याल में हम इसको थोड़ा सा जो है वो इस तरफ भी ले आते हैं. हाँ जी बिल्कुल. अंजुम मुदस्सर साहिबा, अगर आप
आइए प्लीज मुनज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। सो नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप हमारी माशाल्लाह इस पूरी सोसाइटी की जो है वो 3 times प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली कि मतलब कितना टैलेंट होगा कि हर दफ़ा जो है प्रेसिडेंट सेलेक्ट होना ना। नहीं नहीं, ये तो काफ़ी लंबी जर्नी है मेरी तो, ये मतलब ऑलमोस्ट 20 years, मोर देन 20 years। और जब मैंने ज्वाइन किया तो सारे एक ग्रूमिंग सेंटर है, ग्रूम हो के यहाँ तक पहुँच गए। और 3 times प्रेसिडेंट रही हूँ मैं इस क्लब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस बहुत कुछ सीखा भी, सिखाया भी, सब कुछ किया, तो डेमोज भी दिए, वर्कशॉप्स भी की कराई बच्चे, और टेंट भी की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइजेस मिले, और अपना नेशनल लेवल पे भी मिले। तो ये है कि इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम नॉन प्रॉफिटेबल हमारी ये सोसाइटी, और हम लोग चैरिटी के लिए भी करते हैं। जिससे लोगों से हम पहले तो हम बहुत बड़े बड़े फंड रिजर्व करते होते थे, फंड रिजर्व करके और फिर उसमें हम पैसा वैसा जो भी था तो हम देते थे। जैसे शौकत खानम को हमने दिया, फिर सहारा ट्रस्ट को दिया, तो इस तरह हम स्कूल के लिए देते हैं लोगों को, किसी को सुजुकी ले ली, किसी को डिफरेंट चीज़ें। तो ये इस तरह हमने बहुत लोगों को मतलब दिया है सोसाइटी ने। और अब ये कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बस देखा, इंटरनेशनल है ये, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये सोसाइटी, और बाफा से रिलेटेड है। हमारे पाकिस्तान में सब 6 clubs हैं, और 6 clubs जो है वो सब काम कर रहे हैं, हर क्लब का डिफरेंट नाम है। और पेशावर है, इस्लामाबाद में 2 है, लाहौर है, कराची में 2 है, इस तरह हमारे मुझे मतलब 21-22 साल तो मुझे हो गए ज्वाइन किए, तो फिर आप सोच रहे हैं कि 20, 21, 22 years, सहारा ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा शो करवाया था, उसके बाद तो आज तक शो हुआ नहीं। तो शो जो था काफ़ी मतलब उसमें बड़ी तकरीबन मोर देन 500 लोग उसमें आए थे। तो उसमें ये था कि उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मैं मतलब लोगों के साथ ये भी कहती हूँ कि मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा भी, और किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह उसको चलाना है, फिर किस तरह लोगों को मतलब उसमें कॉम्पिटिशन था, फिर बहुत बड़ा मतलब बड़ी बड़ी इसमें एफर्ट थी। और जो भी फंड हमने जमा किया वो दिया अपना सहारा ट्रस्ट को दिया। बस अब ये है कि वाकया तो बहुत है, लेकिन इस वक्त मुझे कोई खास इतना कोई याद नहीं आ रहा कि भाई क्या मैं आपको बताऊं। हाँ, उसमें ये था कि जैसे लॉटरी भी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें वो निकली थी लॉटरी, तो उसमें पहला इनाम भी मेरा आया, दूसरा भी मेरा आया, तो वो बड़ा अमेजिंग था हमारे के बच्चों का भी निकल आया और सबका, तो वो बड़ी एक्साइटमेंट थी। जबरदस्त, देखिए वाकई ये बड़ा एक बहुत एक मेमोरेबल इवेंट है। अब उसके बाद से जब ये हालात खराब हो गए कोविड की वजह से, तो अब इतने बड़े बड़े तो शोज हमारे नहीं हो रहे, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे हालात ठीक होंगे तो हम करेंगे। थैंक यू सो मच अल्लाह कैसे हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? FASP को पाकिस्तान में लेकर आने की, और ये सारा तो इस्लामाबाद में लेकर आने की। ओह रियली, अच्छा अच्छा रियली। उसने यास्मीन सुहेल आज
जी व्यूअर्स, हम जो आपको हम अपनी एक बहुत टैलेंटेड वुमेन जो हैं वो उनके साथ, जिनका मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन भी करवा रही हूँ और थोड़ा सा हम उनका इंटरव्यू भी लेते हैं. बेसिकली शी इज़ द फाउंडर टू इंट्रोड्यूस सच अ एक्सेलेंट सोसाइटी इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद. और जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमें टाइम दे रही हैं. थैंक यू सो मच. ठीक है, हमने सोचा कि आज हम आपसे आपकी उन एफर्ट्स के मुतालिक भी पता कर लें कि जिनमें जो है वो आप किस तरह से जो है वो इस्लामाबाद में आपने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, आपके जहन में ये बात आई, किस तरह से सारा सिस्टम चला, क्योंकि ये तो माशाल्लाह 50 इयर्स हो चुके हैं इसको. और वेरी नाइस, तो अब कितना टाइम हो चुका है इस्लामाबाद में इसे इंट्रोड्यूस करवाने? जी हमें ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए हैं एंड 50 इयर्स हमारे कराची को हो गए और इस्लामाबाद को 23 इयर्स हो गए. एक्चुअली मुझे बचपन से पैशन था एज अ स्कूल गर्ल इन अ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट. आई यूज़ टू टेक पार्ट इन ऑल द जो भी फ्लावर के कॉम्पिटिशन्स होते थे. और मेरे पेरेंट्स का क्योंकि फार्म था तो वो ग्रीनरी हर तरफ, और फिर वो एक दैट इज फ्रॉम द लाइक माई ओन फैमिली. एंड देन मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक्चुअली शुरू से हर सोसाइटी जो हमारे इस्लामाबाद में जब हम थे तो उस वक्त जब हम यंग थे तो उस वक्त यहाँ रोज़ सोसाइटी थी तो मैं बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, ढूंढा करती थी कि कहाँ कोई ऐसा इवेंट हो और मैं जाऊँ. और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी, दैट वॉज वेरी एक्टिव सोसाइटी एट दैट टाइम. तो उसके बाद मुझे बड़ी एक जब मैं कराची गई तो मुझे बड़ी ख्वाहिश हुई और कि मैं कुछ ऐसी चीज़ इस्लामाबाद में भी होनी चाहिए. सो आई ऑलवेज यूज टू कम्पीट इन ऑल द शोज. और फिर जैसे अब्रॉड जाना होता था हस्बैंड के साथ, उनकी होटल की लॉबीज को जो अरेंजमेंट्स बड़ी बड़ी होती थी मैं बड़े गौर से देखती थी उनको, और जो भी फ्लोर रिलेटेड चीज़ें होती थी मैं खरीदती थी वो. सो जब कराची जी ठीक है, जब कराची मुझे पता चला और मैं जब गई एक आध दफ़ा उनके, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनकी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि हम यहाँ कैपिटल सिटी में कुछ खोलें. और एट दैट टाइम हमारे यहाँ कोई फ्लोरल की शॉप्स नहीं थी, ओएसिस लोगों को नहीं पता था कुछ भी. तो अच्छा ओके, तो बस वो देवर ऑल रेडी टू ओपन है. और हमने माशाल्लाह जब इसकी ओपनिंग की तो सब एम्बेसी के लोगों को 450 लोगों को हमने बुलाया ओपनिंग पे. दैट वाज अ बिग गैदरिंग. और उसके बाद इसी तरह लोग आते गए बीच में और हर एक जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, उन सारों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें. और मैं ऑलमोस्ट 4 इयर्स प्रेसिडेंट रही हूँ और वाफा की पाकिस्तान कमेटी की कोऑर्डिनेटर नॉर्थ भी रही हूँ. और मैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी करती हूँ, नेशनल लेवल पे भी करती हूँ और लोकल भी, और क्लासेस भी काफ़ी मैं वर्कशॉप्स देती हूँ. और उसके अलावा आई एम इंटरनेशनल प्राइज विनर आल्सो एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो. इतना अच्छा लगा इंजन, बहुत ही अच्छा. और सबसे यास्मीन आपका आपका तो मैं इंट्रोडक्शन और आपकी सारी बातें सुन रही थी, तो मैं खुद भी बिल्कुल खामोशी से सुन रही हूँ. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके साथ साथ हमें पूरी की पूरी आपकी सोसाइटी की भी पता चल गया. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू. आज हमने आपकी डेमोंस्ट्रेशन देनी है तो वो हम उसको भी कंटिन्यू करते हैं. जी व्यूवर्स, अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो हम जो है वो हम इसकी डेमोंस्ट्रेशन के फ्रेम में लेते हैं. Sara Azam explained the different classes for IFAR competition. Pakistan Blues Peshawar chapter recently organized a cultural and heritage show at Shahi Bagh Peshawar to raise money for the support of underprivileged and street children. Members of Orchid Club Islamabad also participated and made an amazing exhibit. Orchid Club Islamabad
also donated 1,70,000 rupees for this noble cause, which was highly appreciated by Lotus Club Peshawar. Our president Ghazala Sabahat, who is also the representative of Pakistan Blooms Islamabad Orchid Chapter, made an outstanding exhibit using all the local twigs, shrubs, cones, driftwood and chrysanthemums. Ghazala Sabahat also received an award on behalf of Pakistan Blooms Orchid Chapter Islamabad. Now I would request Ruby Ijaz, the treasurer, to come and give the financial report. अस्सलाम वालेकुम जी. एज यू नो कि जिस मंथ की ये GBM हो तो उसके लास्ट मंथ का मुझे आपको ये जो मंथली अकाउंट्स है बताना पड़ता है. तो ये जो आज की GBM है ये दिसंबर की नहीं है, ये नवंबर की है. तो सो मैं आपको अक्टूबर की मंथली अकाउंट्स बताऊंगी. हमने सितंबर में कैश इन हैंड 6,20,666 हमने हमारा बैलेंस है. और आपको पता है कि कैश इन बैंक एक चेक के 9,408 ये वैसे ही चलता रहेगा. ये हमारे बैंक में ही जमा होगा जब हमारा फ्लोरल का ओपन होगा. तो सो सेल्स टेबल हमने अक्टूबर में हमारी 900 रुपीज़ हुई थी. गैस चार्जेस 2,400, टोटल इज 6,34,374. एक्सपेंसेस हमारे अक्टूबर में हुए हैं मैरियट बिल 25,360 विद उनको हमने जो टिप दिया 1,000. केक फॉर बर्थडे इज 1,300. टोटल इज 26,660. सो टोटल रिसीट्स आर 6,34,374 और टोटल एक्सपेंसेस आर 26,660. बैलेंस इज 6,77,014. और हमारा इसमें चेक भी साथ साथ चलता है 9,408. तो माशाल्लाह से अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6,77,014 है. और ये जो प्रोग्राम है ये जो भी आपको ये जो कर रहे हैं वर्कशॉप, ये दो जो हमारी हैं मुनज़्ज़ा एंड टैलेंटेड मेंबर्स एंड सजीला, ये स्पॉन्सर करेंगी. और ये जो मैरियट का अब जो आज के दिन बिल आएगा वो मैं यानी कि रूबी एजाज, नौशीन आरिफ एंड मिसिस खालिद स्पॉन्सर कर रहे हैं. तो ये हमारा आज का दिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मेरे मुंह पे बहुत स्माइलिंग है. जितने भी वो आपके जो भी हमारे पास पैसे मानत होते हैं ये हम आपकी ग्रूमिंग में, टीचिंग में, लर्निंग में इंशाल्लाह ताला ये सारे खर्च होंगे. और आगे जो मीटिंग्स आएंगी उसमें आपको बहुत शानदार आपके प्रॉप्स दिए जाएंगे जो कि डेकोरेटेड भी करवाए हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह. जानना भी मुझे क्या उसको मुझे क्या पता क्या आप कर रही हैं. थैंक यू रूबी. In today's program, we will have a demo cum workshop by our very talented floral artists Sajila Afzal and Munaza Jamal on topic a dainty and delicate petite arrangement. Please Sajila and Munaza. Thank you so much Ghazala और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव की टीम और सब लोग जो भी यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों को जो है वो एक मौका दिया कि हम लोग जो है वो पतीत के ऊपर आप लोगों को अपनी जो है वो एक डेमो दें. एक्चुअली गजाला ने जो है वो बहुत सोच समझ के जो है ये हम दोनों को सब जो है वो टॉपिक दिया था. बिकॉज के जब वर्ल्ड शो था डबलिन में 1914 में, तो उसमें मैंने और सिदिला दोनों ने हमने पार्टिसिपेट किया था प्रदीप में. और मैंने पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट प्राइज विन किया था और बेस्ट प्रदीप का जो वो भी टाइटल जो था वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह था. तो वो एक इसलिए जो है ये चीज़ लगता है गजाला के माइंड में बहुत पहले से थी कि जब भी टाइम मिलेगा तो क्योंकि मेरा और सजीला का इसमें इतना ज़्यादा हम दोनों ने इस पर काम किया था कि एक एक अरेंजमेंट और जिसका कोई मैं कहते हैं ना कि इसकी कोई हद नहीं थी. और जो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट करने वाली थी उस वक्त में जो थी
वो गजाला यास्मीन मतलब ये अपना घर बना रही होती थी और हम इनके पास जाके बैठे होते थे कि भाई आप हमें बता दें कि हम इसको किस तरह करेंगे। और इवन के जब हम यहाँ से गए थे तो सबसे बड़ी मजेदार बात जो बताओ कि जो हमने फ्लावर्स खरीदे थे अरेंजमेंट हमारी क्या थी और हम लोग यही चाह रहे थे कि पहले तो हमने कहा कि हम इम्पोज क्लास करेंगे ना जाके जा ताकि हमें यहाँ से कुछ ले जाने का हो ना बर्डन ही ना हो कुछ भी। तो फिर यास्मीन ने हमें कहा कि नहीं आप मिनिएचर पे काम करो, व्हाट इज मिनिएचर। फिर हमें उस पर हमने सर्च की उसके ऊपर क्या उनका पॉइंट ये था कि जो मिनिएचर होते हैं वो बहुत छोटी सी एग्जिबिट होती है जिसका डिज़ाइन होता है और आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो और एटलीस्ट आप वहाँ जब आप जॉब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो आपको ये तो पता होगा आपके माइंड में कि आपने डिज़ाइन बनाना क्या है, क्या फोलियस यूज करना है, क्या आपके माइंड में तो होना चाहिए ना। फिर हमें ये बात कही थी कि हाँ वाकई ये तो बड़ी अच्छी है, हम फिर टीट और इसमें इसमें आगे और हमने फिर इसकी तैयारी शुरू की और ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर जाने का। जब हम लेकिन वो तो हमने सब चीज़ें बना ली और जो फ्लावर्स थे वो हमने वहाँ जाके जब फूल खरीदने की का टाइम हुआ था हम सब ग्रुप गया वहाँ पे मार्केट फ्लावर मार्केट में गए और वहाँ जाके हमने जो इतने खूबसूरत फूल और सब चीज़ें देखे हम तो पागल हो गए, हमने कितने कितना प्यारा ये भी अच्छा है और देखते देखते हमने इतने फूल इतने बड़े बड़े वो उनके जो थी होली चीज वो इकट्ठी कर ली। और जब इन दोनों ने मजाला ली और यास्मीन ने हम लोगों को देखा और इतना हंस रही थी, हमने समझ आ रहे थे कि ये क्यों हंस रही है, कहते तुम लोगों की आपको पता है कि आपने पेटीज पे काम करना, हमने कहा हम जी हमें पता है तो फिर आप इतने बड़े बड़े फूल और ये सारी चीजें क्यों उठा रहे हो, इतने फूल उठाए इनके हाथों में जगह नहीं, इतने फूल दोनों ने उठाए हमारी जस्ट अरे और इतने फूल उठा के ऐसे ऐसे फेरी मैं और यास्मीन की तुम्हें हो गया। हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फिर जो दो दिन थे अभी हमने वहाँ पे जाते आरडीसी वो बिल्डिंग थी जिसपे हमने ये सारा हमारा शो था उसकी तरफ जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हम इतना खुश थे कि हम अल्लाह हम इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे बड़ा शो हो रहा है, इतने मजे की ये बात है। और आपको बताऊँ की हमने हुआ था इनका बोस्टन में ये लोग वापस आए थे और तब हम इन लोगों के एक्साइटमेंट देख रहे थे, प्राइजेस देख रहे थे और हमें ये बहुत ज्यादा हमें अपील की ये चीज कि अच्छा ये तो ऐसा क्लब है जिसमें हम बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ कभी उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिर बस हमने अल्लाह ताला ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी और हम लोग गए और जाके हमने लोगों ने विन भी किया तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग आपको जो है वो पतीत के मुतालिक थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे कि पतीत जो है वो होती क्या चीज़ है और इसके हम अंदर हम कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि जिसके तहत हम ये सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि जब भी उसका जो है सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो जो हमने जिस चीज से स्टार्ट किया मेरे ख्याल हम उसी से ही स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि जो हमें हमारे जो माशाल्लाह गजाला और यास्मीन इन लोगों ने जैसे बताया मैंने कहा जी सबसे पहले आपने अगर पतीत पे काम करना है तो आप इस तरह का एक बोर्ड जो है वो बना लें, ठीक है। जब आप इसको बना लेंगे तो ये हमारा हमें इसके अंदर पता है कि जब हम कोई भी अपनी अरेंजमेंट इसके अंदर रख रहे हैं जस्ट लाइक दिस तो फिर ना ये इससे ऊपर जाएगी ना ये बाहर जाएगी और ना ये तो इसमें ये है कि सब चीज हमारी आसान हो गई इसकी वजह से। तो एक पतीत की जो एक चीज थी वो हमें जो सबसे बेहतर एक चीज नजर आई वो ये इसका एक बैग बनाना था इसकी चीजें बनानी थी जिसकी वजह से हुआ। दूसरी बात ये थी कि जो पतीत है उसकी जो एक मेन चीज़ आती है कि उसमें जो है आप 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक जो है वो आप काम कर सकते हैं और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। शजीला आप उसके रूल्स बताओगी थोड़े से मतलब थोड़े बहुत जब हम एक पटीत में आते हैं इस मिनिएचर जब हम बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही हमने एक अरेंजमेंट दो तीन फूल इकट्ठे किए उसमें हमने डाल देना है
उसके रूल्स और स्केलिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप एक बिग लार्ज आप बना रहे होते हैं फ्लावर अरेंजमेंट, जब आप बनाते हैं तो उसका भी वही सारी होगी, उसके प्रोपोर्शन, उसकी स्केलिंग, उसका उसकी डेप्थ विथ, उसका इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात है जो आप कंपटीशन में जब आपका जो भी टॉपिक दिया जाता है तो वो आपने उसको बहुत फॉलो करना होता है हर उसके लिए कि हम उसके लिए आ जाएं। लेकिन जब आप अपने घरों में ये आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो, और इसके लिए अब बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती, और इस बहुत छोटे फ्लावर्स जो होते हैं आपके गार्डन में हैं या बाज़ार से आप खरीदने जाते हैं तो उसमें आपने छोटा फूल इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप बड़ा फूल ले लें तो उसकी पत्तियां को कम करके आप छोटा उसको साइज़ कर दें, या किसी पत्ते को आप उसको काट के छोटा कर दें, ये इसका रूल ही नहीं है। इसका रूल ये है कि आपने सिलेक्शन ही उन पत्तों और पौधों की करनी है, फूलों की करनी है, जो कि ओरिजिनली वो नेचुरली वो छोटे होने चाहिए उसके, और आप इसके पत्ते को भी कट नहीं कर सकते, जो भी आपने चीज़ बनानी है उसको। ये वो रूल्स हैं जो कि एक मिनिएचर के होते हैं, जो कि इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। तो अगर और इसमें ये होता है कि आप अपने घर के लिए भी बहुत आसानी से ये बना सकते हो, और सबसे और एक बड़ी बात ये है कि इसके लिए आपको प्रॉप की, जैसे होता है ना हम जब कोई अरेंजमेंट बनाते हैं उसके लिए हमें वॉल्स की प्रॉपर प्रॉप की ज़रूरत होती है जब हम लार्ज बनाते हैं, लेकिन इसके लिए हमने ये एक फ्री हमें एक बहुत सारी दुनिया हमारी खुल जाती है कि हम इसके लिए छोटे छोटे अपने ग्लास के बर्तन, बॉटल, जैम के शीशी, परफ्यूम के और ऑर्गेनिक में चले जाते हैं, तो हम अपनी सब्जियों और फलों को भी हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे करेले हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गया, उसके हम करके उसके अंदर उसको एज अ प्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अपने किचन में जाते हैं अपने हम क्रॉकरी देखते हैं, क्रॉकरी में हमारी ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी होगी और चीनी के बर्तन जो होते हैं जो बहुत खूबसूरत से होते हैं उसको भी हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा यह रेंज बहुत ज़्यादा खुल जाती है कि हम जो प्रॉप के लिए हमारा बिल्कुल वो हो जाता है कि हम इजी हो जाते हैं कि हमें अब घर में हैं तो कोई भी हमें कोई अच्छी सी वो मिल रही है, कोई भी प्रॉप मिल रहा है तो हम उसके अंदर बना सकते हैं। और ये जो छोटी सी बना के और इसके रूल्स वही मैंने आपको बताया है कि अगर और उसकी अगर ओपनिंग जो है आपका प्रॉप है, जो बोतल है, जो ग्लास है, जो भी छोटी सी आपने ली है और इसके, तो आपने अगर उसका रूल ये है कि अगर आपका ओपनिंग माउथ ओपनिंग जो है वो स्मॉल है तो फिर तो डेफिनेटली आपके तीन फूल लगेंगे, एक स्टेम लगेगी और फिलर्स लगेंगे, और अगर उसका वाइड है तो आप उसको भर सकती हैं आप उसको मतलब से चीजें हाँ कर सकते हैं आप उसको, तो वो मिनी में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ मिनी में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फूलों का हिसाब उसका हिसाब रखना होता है, जैसे हम लोग ओल्ड में जाते हैं ना 5-3-1 करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं, 9-11 इस तरह करके, वो इसलिए होते हैं ताकि एक सिमेट्री रहे उसके अंदर, आके उसके अंदर एक फ्लो सा आ जाता है जब हम वो करते हैं। इसमें बड़ा फ्लावर यूज नहीं करते, एक नहीं, में बड़ा नहीं, लगा नहीं 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 छोटे छोटे देखिए आपका ये मिनिएचर है, मिनिएचर में आपकी स्केलिंग छोटी छोटी स्केल एंड बैलेंस आपने स्केल को देखना है कि अगर इतनी जगह है तो उसमें इतना बड़ा फूल अच्छा नहीं लगेगा उसके मुताबिक हो, जैसे और इवन के पत्ते भी वही हैं जो कि बहुत छोटे हो, जो कि वैसे ही छोटे होने चाहिए। अभी जो है हम लोग आपके लिए जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट्स बना के लाए, हमने बड़ा इनको कवर किया हुआ है, जब ये खोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, यानी कि जो जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आ रहे थे वो हमने सबके सब आइडियाज जो है वो हमने डिस्प्ले कर दिए और आप लोगों के सामने भी हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो रखी है। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं ताकि ये कि जब आप लोग अपने हाथ से भी थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर वो आपका वो भी एक जो होती है हेजिटेशन होती है कि हम कैसे कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं वो हट जाएगी। अभी इसका थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि जो सबसे पहले तो खैर यही सोचा कि जी प्रॉप जो है वो आपको बताया था कि इस बॉक्स के अंदर प्रॉपर आना चाहिए, तो बस फिर इसको हमने उसी तरीके से रखा। फिर जब प्रॉप बना रहे थे तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ आ रही थी कि ये इतना छोटा है तो इसकी मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए,
चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें फ्लावर्स भी इतने छोटे यूज़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी, तो डेफिनेटली हमें फिर जो प्रॉप था वो इसी तरीके से चलता कि उसमें ना हर मूवमेंट बहुत होती। तो फिर हम, मुझे और सजीला को यही जो था वो बेहतर लगा। अरे हमने काफ़ी सोचते रहे दोनों के हमने करना क्या है। फिर उसके बाद जो हमने इसके ऊपर जो काम किया है वो इस तरह है कि एक साइड पर जो है हम लोगों ने, ये जूट है ठीक है, और ये सब आप लोगों के टेबल्स पे भी मौजूद हैं चीज़ें, और ये वाला जो है ये अरस्कस है उसके पत्ते हैं, बिकॉज कि ये विदाउट वाटर जो है ये रिटेन करते हैं और ये अलाव होते हैं हमारी फ्लोरल में, तो इसको भी हम लोगों ने रैपिंग के लिए हमने ये यूज़ किए हैं। और ये है बाकी जो है ये एक छोटे छोटे इसको थोड़ी सी डेकोरेशन देने के लिए, और जो है ये एक बॉक्सेस जो है ये मैडम अंजुम ने हमें आइडिया दिया था हमने कहा कि जी इसको हम फौरन बनाते हैं, तो जी ये फिर हम लोगों ने इसको ना थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम लोगों ने पेपर से जी ये चार्ट पेपर से बना हुआ था जी, तो इसमें जो है फिर ये हम लोगों ने ये यूज किया। और फिर जो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं ना, आपको करीब से बताएंगे, ये मिनिएचर में जाके के थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि मिनिएचर का काम था तो सोचा इतना सा हो कि लोग ना के फाड़ फाड़ के देखे नजर का इम्तिहान भी हो जाएगा तो और ये फ्लावर्स भी जो हैं ये फिर हमने उसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखे कि हम लग रहा था कि जो येलो के साथ जो ये मरजेंडा है कलर ये उठ रहा होगा और ग्रीन के साथ, तो ये फिर हमने इस तरह जो है वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। अभी जो है हम आपको वन बाय वन अपनी सारी चीज़ें जो है वो दिखाते रहते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग अपना जो है वो स्टार्ट लीजिएगा। जी जी, पहली अरेंजमेंट जी वो हमने ये जी, इसमें हमने वूल यूज़ की है और इसके पत्ते इस्तेमाल किए हैं, और इसके अंदर हमने क्रेप पेपर भी इस्तेमाल किया है। हमने इस दफ़ा जो अरेंजमेंट्स बनाई है उसमें हमने थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं कि आप नेचर में आपको एक वैरायटी के एक आइडिया हो जाएगा कि हम अरेंजमेंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इसमें हमने पेपर का काम किया है और साथ में हमने वूल इस्तेमाल किया और इसमें ये फोलियज इस्तेमाल किए, और इसी तरह ही है ये जो हम वूल है इसका आइडिया ये भी है कि आप जूट्स भी कर सकते हैं, आप किसी वायर से भी कर सकते हैं, रिबन से भी कर सकते हैं, रिबन पेपर जो मिलते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, मतलब काफ़ी है इसके लिए आपको। मतलब बहुत से मटेरियल आप दस्तयाब हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं उसमें, सिर्फ ये हमारी है, ये हमारी सेकंड है, ये हमने आर्ट का जो है वो इसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट सा दिया हुआ है कि हम नॉर्मली घरों में भी आर्टिस्ट होती हैं और लोगों को तो गेट, यस मैडम, तो गेट्स जो है उनको हम किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो सारे स्टिक्स का यूज किया है। ये जितनी भी आपको नजर आ रही है जब आप लोग करीब से देखेंगे तो ये सब स्टिक्स हैं इसके अंदर, और स्टिक्स को जो है वो ग्लू से पहले डेफिनेटली हमने इसका एक प्रॉप जो है वो डिजाइन किया और उसके बाद फिर सब ग्लू से किया। बाकी अरेंजमेंट तो आपके सामने है कि अब नेक्स्ट आते हैं ये वो करेले का जिक्र जैसे कि मैंने अपनी बातों में कहा था कि ऑर्गेनिक चीज़ें हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी मैंने ये इसका बनाया है कि करेले लिए हैं उसके अंदर से वो करके, तो आप देखिए कि ये इस तरह से और अरेंजमेंट है ये भी जो है एक सीप की तरह जो है वो वुड को पहले सीप की शेप दी गई और उसके बाद इसके ऊपर ये जितना भी ये लगा हुआ है ये है एरोकेरिया है, और उसके बाद फिर इसको पहले ग्लू से चिपकाया और उसके बाद फिर उसको डाई पेंट कर दिया था। और बाकी इसके अंदर जो आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है ये लोबिया है,
बॉल के साथ इसको सारा करके और फिर कलर किया और लोबिया जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट लुक देने के लिए ये इस तरह किया, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सारा। और इसके लिए हम सीप जरूरी नहीं कि हम की बनाए, हम जो हमारे पास जो सीप्स पड़ी हुई होती है ओरिजिनल जो सीप्स होते हैं हम उसको भी ये बना सकते हैं, कोई शर्म्स लेके जो लकड़ी लेके उसका भी हम बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल आप उसको उल्टा करके रखें उसमें वॉइसेस रखें और उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक और तो ये देखिए ये हमारे पास बाग पड़ी हुई थी तो उसका फिर मैंने जहन में आया कि अच्छा ये बाग से पास्ता भी बना सकते हैं, उसको लिया उसके ऊपर हमने ये इसको मैंने ड्राई में सब चीज़ें इस्तेमाल की है, इस तरह बेस बाग की बाग होती है बाग की हमने बेस तैयार की है इसके लिए जी बिल्कुल उसी क्लास से बच्चियों की ये बात से जो कि मैं अयूबिया से लेकर आई जी ये लास्ट वन है ये वैसा तो है ये हम लोगों ने ये जो था ये मेरा वो डिज़ाइन था जो कि मैंने वर्ल्ड शो में उस पर लिया था और सारा जो है इसमें फर्स्ट प्राइज आया था ये सब चीज़ें गोल्ड में इसका एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी पतीत है या कोई भी जो डिज़ाइन आ रहा था जो किसी भी शो में आता है तो उसका ये होता है कि उसका एक टॉपिक होता है तो उसके उसी तरीके से चलना होता है, तो इसका जो टॉपिक था वो था पतीत में डिफाइनिंग लाइन, तो जो डिफाइनिंग लाइन थी आप यकीन करें कि ये गजाला और यास्मीन बैठी हैं इनको अच्छी तरह पता है कि रात को 12-1 बज गया था और हम लोग डबलिन में थे और यास्मीन का ही रूम था और गजाला कहती है बस खुदा के लिए कुछ तो कर उस वक्त जो एलोकेरिया हमने इस्तेमाल किया था और ये कह रही थी कि तुम क्यों रख रही हो, मैंने कहा देखो अपने मतलब दूसरे मुल्क में हम जा रहे हैं अपनी फॉरेज का थोड़ी सी होनी चाहिए। करना चाहूंगी दिस फोलियज वॉज फॉर सजीला और मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे इनकी दोनों की जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर लें माशाल्लाह नजर ना लगे एंड मैंने पिक किया इनके एलोकेरिया कि मैंने कहा इस पे ये लगाते हैं और ये सजीला का था सजीला के डिजाइन के लिए था बट शी वॉज यू नो होल हार्टेडली उसने कहा कि ठीक है आप लगा लें मुनज़ा से, तो वो फिर लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ, मतलब सुबह शो था और रात को ये डिसाइड हुआ लाइक वी वर सिटिंग इन माई रूम कि आप ये लगा उस साल और किसी को नहीं मिला था सिवाय आपको, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बहुत एजाज था हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि हम लोग खुद इतने हैरान थे, मैं तो खुद मैं और सजीला तो इसको बना के और बड़ी मतलब इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे ना, हमें अंदाजा था कि क्या करना है, बस अल्लाह के भरोसे किया बनाते जा रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे, फूंकते जा रहे तो आप यकीन करें कि आखिरी लम्हे तक भी है ना इसके नीचे वो करना था तो मेरे पास व्हाइट पेपर नहीं था, भागी भागी यास्मीन के पास गई, यास्मीन मुझे प्लीज व्हाइट पेपर दे दे, मैंने नीचे लगाया 5 मिनट्स रह गए थे और वो फिर मैंने किया, फिर आखिर में मैंने जब इसको रखा तो ये गिर गया एक वहां पे ना, मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, फिर लगाया और फिर आखिर में फिर दोबारा दुरूद शरीफ या अल्लाह टिक जाए टिक जाए, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को कह के हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, सिर्फ हमारे जहन में उसका पाकिस्तान के लिए बस अल्हम्दुलिल्लाह दिया था कि बस एक ये जो है रेड कलर के ये वो जो होते हैं नीम के जो गोल से होते हैं उसको पेंट किया गया, लेकिन पहले इसके ऊपर व्हाइट कलर हुआ है फिर इसके ऊपर रेड किया, तो वहाँ पर तो हम लोगों ने बेरीज इस्तेमाल की रेड कलर की इतने सारे फूल बिल्कुल, तो लेकिन वहाँ पे किया था लेकिन तुम कर क्या
तो वाकई और मजे की बात है कि मैं और सजीला हम दोनों अपनी अरेंजमेंट्स बना के चले गए डबलिन घूमने के लिए, वापस आए हैं। हमने कहा हमें कहाँ प्राइज मिलना, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आर्टिस्ट हैं और हम दोनों पहली दफा है। जब वापस आए तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, मुन्ना सर किधर है, सजीला। मैंने कहा जी फौरन कैसे क्या हुआ, मैं कहने की तुम्हारा प्राइज आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ आ गया होगा, मैं भागी भागी गई। मैंने कहा कमेंडेबल होगा, कुछ होगा, शायद मिल गया, वही बड़ी बात थी। जब वहाँ जाके देखा तो फर्स्ट प्राइज भी था, बेस्ट इन प्रतीत भी था, बेस्ट इन तो वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम, और आप सब लोगों की जो है वो इतनी ज़्यादा इसमें एफर्ट्स थी तभी ये सब चीज़ें जो है वो हो पाई। और अल्लाह ताला हमें आइंदा सबको ऐसे ही मिला जुला के रखे और अपना करने के लिए आप लोगों के सबके सामने के सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं जो हमने इसमें चीजें इस्तेमाल की हैं, वो भी हैं जो आप लोग अपनी तरफ से तो हमने हर चीज किया, लेकिन अब देख लेते हैं कि आप लोग इसको किस तरह जो है वो माशाल्लाह बहुत मेहनत तुम लोगों ने की और बहुत अच्छा रिजल्ट। अब ये हमारा इम्तिहान है, हम कहीं फंसेंगे तो हमारे पे भी दुरूद शरीफ पड़ेगी। आप जैसा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस है, 100 दफा चीज खोलनी पड़ेगी, खोल देती है। बर्फ में जाकर तस्वीरों का तो आपने बताया किसी को? हाँ मैंने ये भी खींच ली, मैंने भी बहुत खींच ली। अच्छा ठीक है, अब जब बन जाती है ना चीजें तो फिर ये एक एक जाके ठीक है। अच्छा मुझे तो समझ नहीं आ रही थी करे कहाँ छोटी चीज को कलर कितना प्यारा छोटी खूबसूरत कागज फिलहाल के साथ काम करना है ना, इंटरेस्टिंग और लविंग लविंग सा। चलिए साथ साथ थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। आपका गुड नेम? रुबीना। रुबीना कैसा लग रहा बनाते हुए, फूलों के साथ काम करना, फूलों के साथ? और ये बड़ा पता है जो ये जो हमारे पास ट्रीज हैं इनका ग्रीन कलर, ये बड़ा एक सेक्रेट आपका एक रिलेशन सा बना देता है दूसरे के साथ। है ना मैडम अंजू, मैं कह रही थी कि ये जो ग्रीन कलर होता है ये बड़ा एक हमें एक सेक्रेट एक हमारे अंदर एक बड़ा रिलेशन सा पैदा करता है। हाँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है, वाकई सही बात है। सेक्रेट आप देखिए ना ट्रीज, और फिर वो वाली बात के रसूलल्लाह ने फरमाया था कि ये जो कब्र के ऊपर लगाओ के इसका हर पत्ता जिक्र करता है। तो आप ये देखिए कि ये मैं अभी देख रही थी, तो चाहे ये पैकेट हो या ये हो, एक एक पर्दा अल्लाह का पत्ता अल्लाह का जिक्र करता है। तो वो किस तरह मुझे को क्लोज कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी मदर को भी बहुत शौक था, मुझे भी है, मेरी तकरीबन सारी फैमिली को भी शौक है इसका ना प्लांट्स का। तो मैं देखती थी तो कुरान पाक पढ़ती हूँ सुबह तलावत के बाद, वो आ जाती, हमारा बहुत बड़ा लॉन था तो सारा उन्होंने खुद सेट किया हुआ था, तो वो आके ना हर पत्ते से हर पौधे से बातें करती थी कि पॉइंट ये देखे ना ये चीज़ ना। हाँ जी हाँ। अच्छा वो बातें करती थी और आप यकीन करें कि वो प्लांट्स या वो पौधे थे उनको रिस्पॉन्स करते थे, मोर ग्रीन होते हैं, मोर हैप्पी होते हैं, हैप्पी होते हैं। आपका गार्डन आपका बहुत खूबसूरत हो जाता है ना, लाइवली आपको नजर आती है, इंतजार करती है जी कि वो जो हमारे साथ बातें करने वाला है, जो उनका अपना है वो कहाँ है। तो मेरी मदर की डेथ हो गई, तो उसके बाद अब यकीन करें जाहिर है हम थोड़े बिजी हो गए, उतने अट्रैक्शन नहीं था जितना पहले था, तो उसके बाद ना बहुत ही सूख गए, बिल्कुल ड्राई हो गए। उनको हालांकि केयर भी करते रहे, पानी भी पीते रहे, लेकिन वो रिस्पांस नहीं था जो मेरी मदर के साथ के साथ वो उनको मिस करते रहे, बिल्कुल
मतलब बाद में हमने बड़ा उनको किया, लेकिन वाकई वो रिस्पांस नहीं था जो उनको उनके साथ एप्लीकेशन थी या मोहब्बत थी, इस वजह से मैंने महसूस किया। और मेरा वाकई में इतनी मोहब्बत हम सबको भी है कि जो, लेकिन जो आपकी मदर का उनके साथ ताल्लुक था ना, देखिए उनके साथ ना बाकी इंसान इसका पौधे का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ये हम समझने वालों को समझ आती है, वैसे हर एक को तो नहीं, लेकिन आपके अंदर अगर ये समझ आ जाए ना तो बड़ा मजा है। बिल्कुल, थैंक यू राबिया। रूबी 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 इतना, एक्चुअली मेरी बहन का नाम राबिया है ना, रूबी है तो उनको हम राबिया कहते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको एकदम राबिया ही कह दिया। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इस एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पर पौधों के हवाले से और आपकी मदर का सुन के और आपकी लॉन, देखिए ये कितनी चीज़ें हमारी इम्पेक्ट करती हैं ना। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्क। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आपने कुछ बनाना है। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनज़ा की बहन हूँ जी। अच्छा 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 जी, मैं आज हाँ मुनज़ा ऐसा है कि हम आपसे नहीं उधर जहाँ इतने खूबसूरत बनाए वहाँ लेंगे। जैसे ब्यूटीफुल सजीला बाजी को भी अगर बुला लेते हैं साथ ही। बिल्कुल ना, और क्या थोड़ा सा ऐसे करके कि आपकी ये इसको अगर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, और वो जो खूबसूरत है वो भी नहीं, बस थोड़ी सी देखिए यार हमारी तीनों की बनाते हुए करो, खींचो तस्वीर, कौन है कौन। मैंने ये भी आप लोगों को चलिए जी, मैं आपकी अच्छी सी वीडियो ले लेती हूँ 2 मिनट में, हमेशा यादगार रहेगी, ऑल द वर्ल्ड चली जाएगी। मैं बिल्कुल, और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, रियली इट्स अ वेरी वर्थफुल टाइम फॉर मी। जी जनाब, बड़ी ही इतनी खूबसूरत आपने डेमोंस्ट्रेट किया इतनी खूबसूरती से, और मैं तो खुद जैसे जैसे वो ब्लैक पर्दा हट रहा था तो मैं खुद भी देख रही थी कि वाकई ना देखिए किस तरह टैलेंट अल्लाह देता है, और किस तरह अल्लाह की हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ बना देती है ना, अगर हम उसको जैसे भी इस्तेमाल करते हैं कुछ करते हैं। और जबकि हम पौधे अगर कर रहे हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, तो आप लोगों के तो हाथ उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में अपने इस टैलेंट के बारे में जो अल्लाह ने आपको दे रखा है, कि किस तरह से इस तरफ आप लोग आए, किस तरह से आपकी सोच इधर आने की तरफ डेवलप हुई। पता है मैं देखे इसके जो सबसे हाँ। पहली जो सोच इसमें, खैर वो तो पता है शुरू से एक होता है हर एक के अंदर, वो जो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही शौक था, तो वो मेरा सजीला वाला तो वही बात है, बचपन से तो खैर जो था सो था, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ाया ना वो था कि अम्मी अब्बू का जो घर था उसके साथ सोबियाबाजी रहा करती थी, और सोबियाबाजी के घर से मैं जब भी सोबियाबाजी प्लीज सोबियाबाजी सोबियाबाजी की तरफ तो जाना है, आना है, मैंने अभी सोबियाबाजी हो और हम उनकी तरफ ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। सोबियाबाजी के घर से ना हर वक्त ना अरेंजमेंट्स निकल रही होती थी, मैं कहती थी जा रही है आ रही है, मैं कहती थी या अल्लाह सोबियाबाजी क्या करती है, घर से हर वक्त फूल जा रहे होते हैं, गाड़ियां भर भर के फूलों की निकलती है, ये सब कुछ क्या है। फिर मैंने सोबियाबाजी से पूछा कि सोबियाबाजी आप ऐसा क्या काम करती है कि आपके घर में हर वक्त फूल ही फूल नजर आते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, और फिर उन्होंने हमें FASP का बताया। फिर मैंने सजीला को जो है, एक्चुअली सजीला जो है ये मेरी बचपन की फ्रेंड क्या कह ले, मतलब हमें हमारे क्लब वाले को हमें टीच बटन कहते हैं। अच्छा टिच बटन बोलते हैं सर। ओके कोई भी चीज जो फ्रेंड्स के बगैर अधूरी है, हमने कॉलेज में स्कूल में इकट्ठा पढ़ा है, तो हमें एक दूसरे कितनी हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें एक कंपनी चाहिए, और आप यकीन करें कि ये जो क्लब है ये फ्रेंडशिप के बगैर फिर अधूरी है, फिर आप इसके साथ ज्वाइनिंग नहीं बिल्कुल। और ये बहुत बहुत बड़ी एक अल्लाह का बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए, और फिर वो भी आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, तो क्या ही बात है। बिल्कुल
बिल्कुल ना दोनों की अंडरस्टैंडिंग का ये आलम है कि मेरा अरेंजमेंट का जो आइडियाज होते हैं वो सजीला के दिमाग में आते हैं और जो सजीला के अरेंजमेंट के आइडियाज होते हैं वो मेरे माइंड में आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी अरेंजमेंट बनाऊंगी तो मैं खुद सोचूंगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। इसके अरेंजमेंट मेरे माइंड में और मेरी इसके अरेंजमेंट होती है। तो ये चीज इतनी मतलब एक यूनिक चीज है और ये हमारे दूसरे के लिए हम सोच रहे होते शायद ये आप लोगों की ना एक दूसरे के लिए एक अच्छी सोच है जो मिलकर जो है वो एक इतनी खूबसूरत चीज डेवलप कर देती है जिसके इम्पैक्ट होते हैं ना। अब ये कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं कुछ है, एक तो खैर ग्रीनरी के अपने बड़े इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना, फूलों के उससे भी बढ़ के इम्पैक्ट होते हैं, फिर उसके बाद इतनी मेहनत जो आप लोग करते हैं इसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सारा ये आप लोगों के अपने ऊपर देखने वालों पर तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, आपके अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है? मुझे तो खुद लगता है कि हम खुद ही एक फूल बन गए। वेरी गुड आंसर। नेचुरल प्लांट मटेरियल से हमने काम करना है, हमने आर्टिफिशियल फूल पौधे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जब हम नेचर के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज, हर पत्ते और बूटे पे हमारी नजर होती है कि ये फूल किस किस्म के है, ये पत्ता कैसा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम नेचर के साथ कनेक्शन हमारा ज्यादा हो जाता है, अल्लाह के साथ कनेक्शन ज्यादा हो जाता है। आप कितने भी किसी भी एंजाइटी में है या कुछ है, जब आप काम करते हैं तो आप सबको भूल जाते हैं। रियली थिंक और इसके हम जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी आता है। नहीं बिल्कुल इम्पैक्ट है और ये एक बड़ा सेक्रेट इम्पैक्ट भी देता है। हम अभी जो है वो रूबी से भी यही बात कर रहे थे कि सारे जितने बिलीव्स हैं, जैसे हमारा तो अकीदा है, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इसको जो है वो अहले कबूर के ऊपर लगा दो तो जो है वो होगा, तो क्या है कि वो हर ग्रीन पत्ता है वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो जब हर ग्रीन चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर वैसे ही पड़ रहा है ना। तो जो आपने बात की कि अभी जैसे सजीला बजी ने आपने कि मतलब जब में हम ये काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, तो वाकई ये चीज़ें जब जिक्र इलाही कर रही है तो फिर इसकी पॉजिटिविटी को सोचें कि कहाँ तक जा रही होगी, फिर वो आपका जहन नया नई चीज़ें क्रिएट करता है। क्योंकि हम अल्लाह के लिए क्या, अल्लाह ने तो किसी पर तो क्रिएशन कहाँ से कहाँ, क्रिएटिवनेस कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। ये आपकी जो आपने आज जो काम किया इसमें आपने एक बात बताई सजीला के कोई पत्ता टूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल पैटेट में ना जी, तो अब चाहे वो मुनजा इतना सा भी है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये बड़ी बात है, मैं इसको चेक कर रही थी तो वाकई कुछ नहीं टूटा और वो जो उसमें बनाया वो भी काट नहीं सकते। हाँ काट नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते जी। तो तौर पर जो छोटी चीजें हैं वही हमने इस्तेमाल। अच्छा तो ये फूल भी इतना ही होता है? जी, 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 फूल भी स्मॉल साइज का, जैसे ये बेबी ब्रेथ है ना, इसका साइज देखो कितना ज्यादा जो है वो स्मॉल है ना। इसको हमने ये चुन के इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसके अपने रूल्स में भी ये है कि आपने कौन कौन से फ्लावर यूज, ये बड़ी बड़ी मतलब बात है, वरना आप अगर इतना तोड़ रहे हैं इतना मोड़ रहे हैं और फिर भी वो टूटे ना। देखिए ना हाँ, दूसरी अरेंजमेंट जिस तरह की बहुत सारी अरेंजमेंट और भी होती है। मैं बिल्कुल मैं वो भी नेक्स्ट आपकी तरफ इसी सिलसिले में आना चाह रही थी कि सिर्फ पेटेट ही, अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पतीत, अच्छा पतीत, अच्छा ऑब्वियसली इट्स नॉट माय फील्ड बट इट्स अ रियली पतीत, सॉरी। अच्छा तो ये पतीत के अलावा भी तो कुछ और भी होंगे ना आप लोगों के सिस्टम? बहुत सारी क्लासेस होती हैं इसमें आके, पहले सबसे पहले तो ट्रेडिशनल होता है ना, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल के आगे भी क्लासेस हैं, उनके भी नंबर है। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, तो वो हम खुली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम पत्ते फूल वगैरह हर किस्म का यूज कर सकते हैं खुले, उनके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है मॉडर्न एग्जिबिट्स बनाने। अच्छा मॉडर्न जो है, मॉडर्न लेस इज मोर, बस आपने जो बनानी है इसमें लेस चीजें इस्तेमाल करनी है और उसके साथ आपने ऐसा एंगल ऐसा डिजाइन बना देते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करता है और आपको छू लेता है कि ये तो कितना खूबसूरत है। हम मुझे आई रिमेम्बर मैं मुनजा को यही कह रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया तो आपका कोई एनुअल फंक्शन था एंड इट वाज सबाहत, वो इतने बड़े बड़े इतने माशाल्लाह बड़े बड़े थे वो सारे, उसमें भी आप लोगों ने प्राइजेस दिए थे और काफी आपके यहाँ वो था और कोई इंटरनेशनल स्कॉलर आई हुई थी जिन्होंने जो है कोई बात की थी या शायद कराची से आई हुई थी,
और वो बड़े खूबसूरत खूबसूरत, और काफ़ी दफ़ा तो तुम लोग भी उसके बड़े प्राइसेस ले चुके हो, तो वो मतलब एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आज तो हम क्योंकि ये पतीत पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास ज़रा स्मॉल है, वरना अदरवाइज बहुत बड़े बड़े भी खूबसूरत अरेंजमेंट होती हैं आपकी। हाँ कंटेम्प्रेरी और बिल्कुल हाँ इंटरेस्टिंग होती है उसमें, आपके बहुत ज़्यादा आपका दिल करते हैं वो उसमें वीविंग होती है, उसमें आप पत्तों को किसी तरह आप वीव करके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी शक्ल को खूबसूरत बनाते हैं, तो उसके साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। उसको हम प्ले करते हैं कि इसको ऐसे कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए, वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके लिए हम आर्टिफिशियल चीज़ें भी थोड़ी सी गुंजाइश होती है, हम अपने बॉयज उसको रिलीटरी कुछ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों ने आपने मुनज़ापुर से जिला ने जो है जब वो इतना अच्छा सारा काम आपने सेट किया सब कुछ, तो आप लोगों ने इसको जो है वो एक बिजनेस के तौर पे नहीं इसको जो आप लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, या आपने कोई अपनी वेबसाइट बना रखी है कि जैसे मैं आज अपनी एक फ्रेंड को बता रही थी कि मैं आज ऐसे प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ, तो शी टोल्ड मी अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए जो है वो कुछ बनवाना है, तो जो मैं बाजार से लूँ तो मैं आप क्या वो मेरी मर्जी के बना देंगी, तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सोच रखा है, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ भी इस तरह से कुछ नहीं किया। हाँ बाकी अभी तक कभी भी इसको ऐसे कमर्शियली नहीं किया ना, इसको अभी तक हमें हॉबी ही जो है वो लेके जा रहे हैं दोनों, तो हम उसको एज ए हॉबी भी इतने इतने बिजी होते हैं कि अगर हम इसको कमर्शियल पे चले जाएंगे तो शायद बिल्कुल ही हम तो कर फिर आप लोग इसको टाइम नहीं दे पाएंगे शायद ना, लेकिन हम इसको वैसे ही बना के इतना एंजॉय करते हैं तो हमने इसको नहीं अभी तक इस तरह नहीं लेकर आए, लेकिन समटाइम और वो सोच रहे होते हैं ये बात कि हमें इस कर लेना चाहिए, लेकिन बस फिर हम सोचते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है अब तक तो हो जाना चाहिए ये काम। वैसे तो एक वेबसाइट आप लोगों की होनी चाहिए कि जिसमें आप लोग भी हों, बल्कि आपके यहाँ कोई और भी गर्ल इसमें शामिल होना चाहिए, आपके ये जो बड़ी हैं वो सब, तो उन वो भी हो सकती हैं। फेसबुक में जो हमारा एक वेबसाइट हमारी जो बनी हुई है तो आप उसको कर सकती हैं। पेज ना जी, मैं वही ये बात कह रही हूँ, अगर आप सब लोग मिल के भी जो है वो इसको कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर आता है कुछ आता है और जो उसमें एक्सपर्ट है उसके साथ इन कॉन्टेक्ट हो, तो इसे तो बड़ा आप लोग इंटरनेशनली नेशनल लेवल पर सब लोग ले सकते हैं। माशाल्लाह आप सब इतनी टैलेंटेड लेडीज हैं, क्योंकि मुनज़ा मुझे कह रही थी कि एक, मतलब आपको जब ये सब बता रही थी कि आप भी एक प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं सोच रही थी कि फर्स्ट टाइम बता रही हो और सब प्रैक्टिस करेंगे, एवरी वन इज डूइंग हर वर्क वेरी वेरी टैलेंटेडली। तो आप लोग इतना अच्छा से सब कर रहे हैं, तो मेरे तो ख्याल में आप सबकी एक पूरी एक मिल के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो नेशनल इंटरनेशनल बेस पर आप लोगों को जब कोई ऑर्डर्स हो कुछ हो तो उसे आप लोग लेके आगे चलें और आगे उसको करें, है ना। अपनी जगह काफी सारे लोग हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आ रहे हैं, हमारे क्लब से भी, इवन आई एम आल्सो डूइंग। अच्छा माशाल्लाह, और काफी लाहौर में कराची में बहुत लोग कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंटली वर्क। हाँ इस्लामाबाद में शायद अभी उस तरह से नहीं है मेरे ख्याल में, मुनज़ा और जिला बजे आप लोग को जरूरत है स्टार्ट करें, और आवाज खुद है ना चैरिटीज के लिए फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, लेकिन वैसे सब लोग अपने करते हैं अपने बिजनेस है सब। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात हो क्योंकि हम अपने इवेंट सेलिब्रेट कर डेकोरेट करवाना चाहते हैं तो वो जो है वो आप जो हैं वो आप सब कोई भी कॉन्टेक्ट में कर सकते हैं ना। हाँ वेरी नाइस, क्योंकि आप तो माशाल्लाह खैर इस्लामाबाद की आपने स्टार्ट ही इनिशिएटिव ही लिया है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जी। हमारी प्यारी सी बाजी शी इज सो बिजी इन हर वर्क, बाजी जाग जाए, सोबिया बाजी सोबिया बाजी जा रही है, क्यों सोबिया बाजी, ये हमारे लेडीज क्लब है, हमारे लेडीज के लिए है इसमें, तो आपको जो है वो एक एग्जांपल होना चाहिए ना, और हैं ही आप वैसे तो, लेकिन चले इंटरनेशनली भी जो है वो इतना अच्छा सा, जैसे मुनज़ा ही आपसे जो है वो इतनी सिर्फ फूलों का आते जाते देखने से ही इतनी फैसिनेट हो गई, फूलों में आके तो ये हो गई जैसे अब हो गई है। सही है। कुछ बात कहना चाहेंगी बाजी?
टिप्स ये है कि आपने पूछा था कि इसको देख के क्या होता, मतलब हम लोगों ने क्या सीखा, तो हमने अल्लाह ताला की शान देखी है। हाँ। आपके पास एक ही जमीन से सब्ज रंग का पत्ता निकल रहा है, लेकिन हर पत्ता इतना डिफरेंट है, उसके अंदर जब आप गौर से देखते हैं, उस दिन एक अरेंजमेंट की तो उस पत्ते के से हमने हटा के सिर्फ उसकी जो ब्रांचेस या वेन्स थी उसके साथ अरेंजमेंट की, यानी आप हर चीज देखें तो अल्लाह ताला की शान याद आती है। हर मतलब फूल है इतना छोटा सा है, इसको आप गौर से देखें तो ये इतना कंप्लीट है, मतलब आप बस अल्लाह ताला की शान। बिल्कुल सही के वो अल्लाह ने कहा कि मैंने कायनात इसलिए बनाई कि मुझे पहचाना जाए, तो वाकई ना बिल्कुल कि अल्लाह ने पहचान के लिए, हाँ पहचान के लिए पतीत को भी रखा है कि दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय सेल्फ। किसी पत्तों को सिर्फ एक देखे, उनके शेड्स हैं, उनके शेप्स हैं, उनके कलर्स हैं, कईयों की खुशबू है, यानी आप हर चीज को देखेंगे तो आपको उधर से अल्लाह की शान नजर आएगी। मैं तो परेशान होती हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं जो अल्लाह को मानते नहीं है, मतलब इतनी सब कुछ सबूत होने के बावजूद, तो ये अल्लाह हमें याद रहता है इस वजह से, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही जी, वेरी नाइस, वाकई बिल्कुल कि ये अल्लाह की याद दिलाता है कि अल्लाह जो है वो हर जगह है जी। मुनज़ा आप लोग, आप दोनों से जो मैं इंटरव्यू ले रही थी तो इतनी अच्छी इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं सजीलवा जी आप भी, और तो कोई ऐसी बात जिसे वैसे तो आप लोगों ने जो अपना डेमो दिया उसमें आप लोगों ने एक एक बात इतनी खूबसूरती से वाजे कर दी कि हर बात इतनी अच्छी, और आप लोगों के जो इतनी गुड मेमोरीज थी जिसको सब लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे थे और वो सारा कुछ बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली ये सारी मेमोरीज जो होती हैं वो जो हमारे व्यूवर्स होते हैं हम उनको जो है वो एक मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती ना, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी होती है और हर चीज़ में जो है वो आपके बहुत हर्डल्स भी आते हैं। तो अगर हम किसी को कामयाबी की जगह पे देखते हैं तो इट डजेंट मीन कि कोई कामयाबी वो आसमान से लिखा के लाया है, उसने बड़ी मेहनत की होती है ना। तो ये आप लोगों की बड़ी एक अच्छा लगा मुझे कि जो आप लोगों ने अपनी उन चीज़ों को भी बातों को भी शेयर किया, आमतौर पर लोग उन्हें छुपा जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह शेयर किया, तो डेट्स वेरी नाइस। तो अभी ये कि आप लोग किसी किस्म का कोई मैसेज देना चाहें, हमारी तरफ से तो यही है, मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि जो लोग भी हैं ना वो ज़रूर इसके, मतलब अगर तो पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, और ये एक हॉबी क्लब है, जिनको भी फूलों का चीज़ों का शौक है तो वो जो हैं वो कांटेक्ट करें और हमारे इस क्लब में आएँ, और वो इतना कुछ सीखेंगे, इतना कुछ कि खुद वो लोग हैरान हो जाएंगे कि, और जबकि आप ये देखें कि ये सब चीज़ों के सीखने के लिए हम बाहर या किसी भी जगह जाते हैं तो हम कितना पे करते हैं, और ये हमारा कोई इतना अच्छा क्लब है कि इसमें पेमेंट वाला तो सिलसिला भी इतना कम है, और सिखाने जो है ना हर लेडी जो है वो सिखाने के लिए तैयार, तो जो लेडीज में ना उनको लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को ना इस फील्ड में आना चाहिए ताकि उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आगे भी आए, और वो मतलब डेफिनेटली जब अगर वो इस फ्लावर्स में आ रही हैं तो भी जो हम सारी बातें कर रहे थे कि वो एक रेसिप्रोकली जो है ना उसकी तरफ भी जाती हैं, सूफी दूसरी चीज़ों में भी आती हैं, बिल्कुल रियलिटी की तरफ जाती है, सूफीज़म की तरफ आती हैं, अल्लाह की रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ रही है, इट्स वेरी रियली वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स जी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर लेडीज को जो है, मेरा तो खैर यही मैसेज होगा कि जो जो अगर पिंडी इस्लामाबाद में हमारे लोग हैं वो ज़रूर इसको ज्वाइन करें और इसको जो है हमारे साथ आए और मिलके वो जो है ना काम भी करें हमारे साथ। थैंक यू जी जी। और मैं ये कहना चाहूँगी लेडीज क्लब है और लेडीज के ये सारा जो ट्रांसमिशन जा रही है लेडीज की तरफ जा रही है, तो लेडीज के लिए मेरे एक बहुत ज्यादा जो मैं कहना चाहूंगी वो ये बात है कि आप हर लेडीज को अपने लिए एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए अपनी जिंदगी में, कोई भी हॉबी स्पेसिफिकली नहीं, ये ही हॉबी आप अपनाएं, आप कोई भी अपनी हॉबी जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिसका में आपका टाइम अच्छा स्पेंड होता है, आपने जो ड्यूटीज आप घरेलू ड्यूटी जो जॉब की होगी या घरेलू ड्यूटी जो भी देरी होती है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे खुशी के साथ होते हैं, अपने जान के करके बहुत मशक्कत के साथ सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन एक फर्स्ट अपना प्लेयर टाइम इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें कि जिसमें उनको थोड़ा सा उन सब चीज़ों से हट के जो अपने लिए अपने प्लेयर करने के लिए हो। नहीं आप बड़ा बहुत आपने अच्छा पॉइंट किया, यूके एंड अमेरिका में स्पेशली वुमेन को जो है वो वेकेशन दे के कहा जाता है, उनका एक फॉर्म बनता है, अगर उस फॉर्म में वो लेडी अपने लिए टाइम नहीं निकालती तो वहाँ पर वो उसके मास्क करके नेगेटिव उसमें उनको स्पेशली
इसलिए कहते हैं आप करें। और हमारे यहाँ 24 आवर्स हर वक्त आप एक ही माहौल एक ही उसमें लगे रहते हैं और लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, आपके बच्चे थोड़े हो जाते हैं, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हो जाते हो तो जरूर मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी अब खत्म हो गई, आप जिंदगी जो है बस आपने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसमें अगर आप ये चीजें सब लोग अपनाती हैं, आपने लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालती है तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ ज्यादा होगी, ज्यादा हैप्पी होगी और स्ट्रेस रिलीव होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा और आप हमेशा से हंसना मुस्कुराना शुरू कर। अल्लाह आप सबको बिल्कुल फूलों की तरह हमेशा ही मुस्कुराता रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा। शानदार ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल जबरदस्त जी। शाहदाना कैसी हैं? बड़े अरसे के बाद आपसे भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। हाउ आर यू? सेम हियर जी, थैंक यू सो मच। यू आर ऑल वेयरिंग द वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, कैसी हैं आप? आप बताइए क्या हाल है आपके? उसी तरह खूबसूरत कामों में बिजी बुशरा। बुशरा, थैंक यू बुशरा, मुझे आप याद हैं लेकिन चूंकि बहुत अरसे बाद आपको देखे तो सो सॉरी, नहीं नाम मुझे पूछना पड़ गया। नहीं तो इट्स फाइन क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो आई थिंक शायद 2 to 3 years बिफोर आपके उस प्रोग्राम में आई थी, लेकिन रियली लेकिन मैं इसलिए बहुत इन कॉन्टेक्ट रहती हूँ कि मुनज़ा की वजह से कि सारा वक्त जब भी कुछ होता रहता है तो वो हम लोगों को पता चलता रहता है। तो शानदाना चलिए हम इस पर बात करते हैं कि हम एक दूसरे से मिले 2 to 3 years बिफोर, तो इस सारे टाइम में उस वक्त मैं जब आपसे मिली तब भी आप बहुत एक टैलेंटेड लेडी, हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। आज और उस वक्त में आप में क्या चेंज आया और आपने क्या क्या मजीद सीख लिया इन फूलों से, इन पत्तों से, इन ग्रीनरी से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत कुछ सीखते हैं हम, अल्लाह ताला हमें सिखाता रहता है। हमें जो मतलब ये बातें हो रही हैं सब, आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे हम पहुँचे हैं। पीछे दो टेन्योर्स मैंने एज अ प्रेसिडेंट गुजार दिए, जो आप कहती हैं चेंज क्या आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और सोच चुके इट्स वेरी गुड कि मैंने फिर मैं आज आप लोगों के जितनी प्रेसिडेंट्स गुजर चुकी हैं उनसे बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर एक के अपने एक्सपीरियंस और बड़ा जी। और फिर दूसरा ये कि उसके बाद चूंकि पेंडेमिक शुरू हो गया और उसके बाद थोड़ा सा लोगों को सेटल होने में शुरू में 2-3 महीने लगे तो फिर वो वर्चुअल चीज़ें शुरू हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्चुअल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं और काफ़ी विन्स किए हैं। बस ये चेंजेस हैं कि इम्प्रूव भी किया है काफ़ी। जब मुझे कोई ज्वाइन करते हैं सोसाइटी तो वो ये पूछते हैं क्या यहाँ पर आप लोग सिखाते हैं? हमने कहा नहीं, हम सिखाते तो हैं उस तरह, ये नहीं कि ABC की तरह, लेकिन हम लोग खुद भी सीखते रहते हैं। इट इज़ लर्निंग प्रोसेस जो आप ना हर दम सीखते रहते हो, आपका इसमें मतलब ये कमाल नहीं है कि आप एक कमाल को पहुंच गए हो बस ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ व्हाट कि हम लोग माशाल्लाह मतलब हम लोग वी कीप कंटिन्यू ऑन लर्निंग, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली। सो जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शादाना, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस को भी सुन के। देखिए किस तरह जो है वो, और आप एक वो चीज़ देखें कितनी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के गुजरता है, वैसे लगता नहीं है कि तेज़ी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, थैंक यू जी। विस अंजुम कैसी हैं आप? ठीक है, मैंने कहा अभी मैं आपके पास आती हूँ और मुझे कुछ भी कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी और सोसाइटी के लिए इस सारे काम के लिए। ये एक हॉबी क्लब है, मुझे शौक है लेकिन मेरी जो घर की इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड नहीं है तो वो भी तो, लेकिन मैं ये करती ज़रूर हूँ क्योंकि ये फ़र्क पड़ा है जब से मैंने इसमें इस क्लब को ज्वाइन किया है, तो ये फ़र्क पड़ा है कि जब मैं चलती हूँ तो मुझे एक एक चीज़ नज़र आती है, हर पत्ता यूज़लेस नहीं लगता, हर चीज़ की वैल्यू, ये कहाँ यूज़ हो सकता है और कितना खूबसूरत है, मैं रुक के मैं गुजर नहीं सकती। वरना हम तो अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग या हमें ये परसेप्शन ना, हम तो यूँ गुजर जाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत फूल बागों से गुजर जाते हैं
रियली तो फील नहीं करते थोड़ा सा इंटीरियर से भी है तो मैं घर में जरूर हर फ्राइडे वीकेंड पे मैं जरूर अपने डाइनिंग टेबल पे और एंट्रेंस पे करती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद थोड़े से एक ही बार आई लव एक ही बार मुझे एक ही बार ना की बस थोड़ी देर में अभी भी मैंने बहुत कम चीज़ें यूज़ की हैं तो वो इस तरह की है थैंक यू अंजुम आपने इतना खूबसूरत पॉइंट दिया थैंक यू वेरी मच जी अस्सलामुअलैकुम कर ले अभी नहीं है ये नकारा काम ये काम अच्छा नहीं हो रहा नहीं जी नकारा काम बिल्कुल नहीं है आप हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल एंड यूजफुल हैं नकारा काम कैसे होगा क्या जी मैंने कहा चलिए थोड़ा सा अच्छी सी हम थोड़ा टाइम लगेगा तो और क्या टाइम तो लगना चाहिए अगर बगैर टाइम के हम कुछ सीखें तो फिर उसकी जो है ना वो एक्यूरेसी में फ़र्क होता है आपका गुड नेम भाभी हुआ आपका गुड नेम अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रही हूँ अच्छा कैसा लगता है ये सब कुछ करके ये करके ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं इस एज में वेरी नाइस हम कुछ कर रहे हैं वरना तो हम घर में हैं ये कितनी बड़ी बात है ना कि हमें हमें हमारे अंदर ये एहसास पैदा रहे कि हम कुछ कर सकते हैं और हम हर एज में कर सकते हैं सो नाइस यही फीलिंग होती है ज्यादातर यही फीलिंग होती है हम कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा हम कुछ कर आपकी तरफ आती हूँ चले दो मिनट हम आपसे पहले एक्सीलेंट वर्क माशा अल्लाह अब देखो ना अभी अभी जैसे जितनी तेजी से आपने इस चीज को सोचा जी जी है ना तो कैसा लगा कैसा लगता है एकदम से इतनी प्यारी बात सोचना एकदम इमेजिनेशन फीलिंग्स होती है आपके जो दिमाग में आ रहा होता है ना मैंने देखा अक्सर आप वैसी एग्जिबिट्स बनाते हैं तो ये मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि आप घरों की टेंशन से निकल पाए जितनी देर यहाँ मुझे बिल्कुल अपना घर याद नहीं आ रहा और मैं बड़े मजे से सारी फोकस इसको कर रही हूँ इसीलिए कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी मेरा फेस ठीक रहेगा मेरे एक्सप्रेशन ठीक रहेंगे कि फूल जब आप सोचती हो तो लगता है कि ये बड़ी प्योर सी चीज है इसके साथ आपका अगर दिल भी प्योर होना चाहिए वरना आप फिर इससे रिलेटेड काम नहीं कर सकते आपका दिमाग आपका दिल आपका काम फिर तीनों आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं कि जब आप बाकी सारी चीज़ें घर की घर रखें सारी प्रॉब्लम्स और आप ये करें मुझे काफ़ी इयर्स हो गए हैं 10-12 इयर्स हो गए हैं मैंने ज्वाइन किया और मैंने यहीं से सब कुछ सीखा थोड़ा सा था मेरे दिमाग में ये आर्ट का आर्ट वर्क का लेकिन मुझे सारा कुछ मैंने यहीं से सीखा जो हमारे सीनियर्स हैं जो मैं गजाला है जी वो उधर शानदाना है यास्मीन है ये सारे सीनियर्स हैं इन्होंने हमें बहुत सिखाया है लेकिन मैं आज आप सबके पास गई और मैंने आप सबसे सीखा अच्छा रियली इतने मुझे कोई अच्छे अच्छे पॉइंट सिर्फ एक एक उस क्वेश्चन के रिटर्न में मिल रहे हैं कि मुझे खुद वाकई ये हम अपनी लाइफ में जैसे जो है ना हम एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना ये भूल नहीं बना रहे हम ये नहीं कर रहे हम तो एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं और ये देखिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी आप लगा रहे हैं अगर आप कोई और भी क्लब ज्वाइन कर ले जिस तरह होते हैं किटी पार्टी हैं या आपकी कोई भी कॉफी पार्टीज हैं तो आपको लगता है कि जैसे वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया आपकी जिंदगी का इसमें आप खुश होते हैं अपना देख के कि मेरे में भी ये एबिलिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ बिल्कुल जैसे भाभी ने मुझे कहा ना अभी कहने लगी कि बस मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ कर सकती हूं इस एज में भी ना तो मैंने कहा कितनी जरूरी चीजें ना हमारे लिए जो मोंटेसरी लेवल के बच्चे होते हैं ना ये 2-3-4 इनको इस तरह की चीजों पर फोकस कर लें कि उनके अंदर जितनी भी एबिलिटीज हैं बाहर निकले तो ये हम इस एज में आके तो अपने हमने जो चीज है तो हम वो इसमें एक्सप्रेस कर लें कि हम ये कर सकते हैं वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच योर गुड नेम रूबी एजाज बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाइस
भाई जिस टेबल पे जाती हूँ इतने खूबसूरत खूबसूरत काम हो रहे होते हैं, सो नाइस। चलिए कैसा लग रहा है ये सब कुछ करके? इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। सॉरी भाभी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं आई एम अ हाउसवाइफ, और बस शौक है, थोड़ा सा क्रिएटिव पेंटिंग्स करती हूँ। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि हाउसवाइफ, ये इतना तो खूबसूरत बात होती है, और ये कोई इतना फुल टाइम जॉब होती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो हूँ वो कोई मैं कोई जॉब करती हूँ, उससे ज्यादा मैं जो जॉब करती हूँ वो हाउसवाइफ। हमें ज्यादा इसका रियली हाउसवाइफ थोड़ा हम इसमें रिलैक्स होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये हमारे लिए एक समझे एंजॉयमेंट है। एंड यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द बोथ जॉब्स, हाउसवाइफ एंड द ऑफिशियल वर्क, तो आपने किसको ज्यादा बेहतर पाया? दोनों में जिसमें भी आप अपनी सिंसियरिटी के साथ ऑनेस्टी जो काम भी करें तो बहुत अच्छा काम, मतलब आप देखें उसमें भी आपको फुल टाइम आपको अपना देना पड़ता है इसमें। सो नाइस, आपका गुड नेम रुबीना। रुबीना बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। ये फ्लावर आपको क्या 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 फीलिंग देते हैं, क्या सिखा गए आपको इतने? आपने कितने अरसे से ये ज्वाइन किया? मुझे 5-6 साल। तो क्या दे गए आपको फ्लावर? तो एक मतलब हमेशा आप जब पढ़ते हैं थिंग ब्यूटी, मतलब जॉय आपको देता है। अब नेचर में भी किसी भी अच्छी चीज़ को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप उसको फ्लावर्स के साथ करते हैं, जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं, मतलब अच्छा अपने इमेजिनेशन में भी सोचते हैं, तो सब उसमें फ्लावर्स होते हैं, खुशबुएं होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं जब खुशबू में आप जाते हैं, फ्लावर्स में जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको लाइफ की जो है ना मुश्किल हार्डशिप उनसे आपको दूर थोड़ा दूर कर देती हैं। सो नाइस, थैंक यू रुबीना, थैंक यू रुबीना। मेरी बहुत अच्छी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। मैं कह रही थी मैं जिस टेबल पे जाती हूँ वहाँ मुझे आप लोगों का टैलेंट नजर आता है भाई, फिर मैं पहले इसकी प्रूफ की बनाती हूँ जो आप बना रहे। गुड नेम फरा, जहाँ से मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ना, जब आप इसको देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रोब है और आपके ऊपर और उसी के ऊपर आपका खूबसूरत चेहरा है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फरा, क्या सिखा गया आपको ये इतना खूबसूरती से काम करना? मुझे तो ये आज सजीला और मुनज़्ज़ा ने फंसाया है, ये ना हमारी ये मुझसे काम करा रही है, ये खूबसूरत फूलों की तरह ही है, देख लो काम भी कैसे। नहीं, जहाँ से मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ना, आपको बड़ा मजा आएगा आपके प्रोफ के साथ। आज इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि वो कह रही है कि आप भी सीखे, इट्स अ गुड थिंग, ऐसे इनकरेजिंग फ्रेंड्स की जरूरत होती है, तो आपको कहें कि भाई लर्न समथिंग पॉजिटिव इन लाइफ, और फूलों के साथ काम करना तो बस पॉजिटिविटी ही है। वी आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव हियर, और माशाल्लाह लर्निंग फ्रॉम टैलेंटेड हमारे मेंबर्स, माशाल्लाह पुराने फ्रेंड्स, सब बिल्कुल, आप सब लोग खुद ही, बाकी आप लोगों का ग्रुप ही इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से सब, मैं जिस जगह जाती हूँ मैं इतना सीख रही हूँ, कोई जो मुझे जवाब देता है वो इतना अच्छा, उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जी भाग, कैसी है? वेलकम, सलाम, क्या हाल है? बस अब हमने बना दिया, अब जो भी इस टाइम में बनता था वो हमने बना दिया, ठीक है ना? दिखा रहे हैं ना कि जिस टाइम पे बनने वाली चीज इतनी खूबसूरत है, तो अगर आपको टाइम मिलता तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं भाई? बस बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड लोग, हाँ ना, बिल्कुल, मतलब ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 15-20 मिनट्स। हाँ चलो, माशाल्लाह देखो सर जी, बासरम ये देख रही है, बना दिए, ठीक है, अच्छा इस तरफ से देखो, लाइन बना दी है जी। सजीला भाई क्या कमेंट करती हैं? वेरी गुड यार, दिखती है बहुत टाइम से, बहुत अच्छा घुमाती नहीं हूं मैं, समय ना मुंबई आ रही हूं, भाभी आप इस तरफ चलो, अच्छा ये
आउटलेट होता है फॉर अस एज लेडीज, क्योंकि आप बाकी बहुत चीजों से उस पर आप कर रहे होते हैं काम, घरों में भी, बाहर भी, बच्चों के भी. दिस इज एन आउटलेट ऑफ योर एक्सप्रेशन. How you want to see something, you know, it comes in your mind and then you start making it. जो आपके दिमाग में वो आप बना लेते हैं. Actually, it makes you the creative person. Yes, yes. Creativity कभी आती है that you want to do something which you perceive. किस तरह का? और आप अपने उस perception को या उस perceive करने को जो है वो एक एक जिसको कहते हैं कि एक जाहिरी एकदम एक represent होने वाली एक चीज में ले आती, एक material में, एक materialistic representation कर देते हैं. 25 minutes जितने भी थे बाकी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना. सो नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. मुनज़ा जो पिक्स बना रही थी सिर्फ वो रह गई है. नौशीन में जब आपकी तरफ आती हूँ आप खुद भी पिक्स बना रही होती हैं. बस मेरे और आप में फ़र्क है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ और आप पिक्स बना रही होती हैं. ठीक है, उधर से लूँ नौशीन आपके लिए. नहीं नहीं नौशीन जबरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं वो जो जिसको कहते हैं ना एक एक्टिव प्रैक्टिस को जो है ना वो भी कवर कर रही हूँ. कैसी है नौशीन? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक है. नौशीन आपसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि कोई स्पेशली क्वेश्चन करूं, क्योंकि आप जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह कवरेज भी दे रही हैं अपने सारे प्रोग्राम की. तो कैसा लगता है ये सारा सब कुछ करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तो मुझे काफ़ी ईयर्स हो गए यहाँ पे, तो मैं शो चेयर पर्सन हूँ, तो मैंने सारा प्रोग्राम अरेंज करना होता है. उस वजह से ज़रा फिर मेरी एक्टिविटी रहती है, मॉर्निंग में जल्दी हो जाती है. बस बड़ी अच्छी हॉबी है, हम लोग फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. मुझे लग ही रहा था कि आप बड़ी एक टैलेंटेड, न सिर्फ ये कि आप टैलेंटेड फ्लावर मेकर हैं बल्कि आप एक टैलेंटेड ऑर्गेनाइजर भी हैं. वेरी नाइस. तो कोई बात, कोई चीज, कोई ऐसा बात जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें? बस यही कि आप, मैं काफ़ी लेडीज़ को कहूँगी कि जो घर में होती हैं उनको ये फ्रेश हॉबी है, यार आए यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें वो देखेंगे कि किस तरह से चेंज आएगा. मुझे बहुत चेंज आया, चेंज आएगा ना. हाँ, डल होते बस ये ज़रा हमारा फ्रेश हो जाता है. और सीनियर से हमने बहुत कुछ सीखा, अच्छी बातें भी हम सीखते हैं, उनसे हम काफ़ी चीज़ें. बिल्कुल जबरदस्त. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी व्यूअर्स, आज आपको जितनी ये सारा का सारा हमने एक लाइव प्रोग्राम दिखाया है, और इस लाइव प्रोग्राम में आप देखिए कि सारी लेडीज़ कितना एंजॉय कर रही हैं, और ये बड़ा मोटिवेटेड है सब लेडीज़ के लिए. आखिर में हम दोबारा आते हैं प्रेसिडेंट साहिबा के पास उनके आखिरी जुमले लेने के लिए, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम में आपको खुदाफिज करेंगे. आपका कोई अच्छा मैसेज? आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेंगी. कोई मैसेज? मैसेज ये कि आप सब वर्चुअल शोज आजकल अपने शुरू करें, और आए फ्लावर्स पॉजिटिविटी है. Be positive and keep smiling. Thank you very much.
टीवी पे देखा, मगर कह रही है जी। यस व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारी जो लाइव कवरेज थी वो उसका एंड होता है और होपफुली आपने उसको बहुत इंजॉय किया होगा और आपने ये बल्कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बिलीव मी, जब मैं ये प्रोग्राम करने का मैंने सोचा तो मैं अभी जब यहाँ पे जितनी लेडीज़ थी उनसे मैंने कोई एक ही क्वेश्चन किया होगा और वाकई वो इतना उनकी तरफ से आने वाले सारे जवाब हमें कितनी खूबसूरती से हमें वो कुछ देके जा रहे थे और इतना मैंने एक्सपीरियंस जो था वो गेन कर लिया इनके जवाबों से, क्योंकि यह माशाल्लाह जितनी लेडीज़ हैं वो जी काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजार चुकी हैं और अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी के भी कुछ ज़्यादा टाइम गुजार चुकी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इन फ्लावर्स के ज़रिए, इन फ्लावर मेकिंग के ज़रिए, इस सोसाइटी के ज़रिए कितने खूबसूरती से जो है वो मैनेज हुए हैं उन्होंने हमें ये बताया। तो भारत होपफुली आप सब भी इसे इंजॉय करेंगे और अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।